सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर, भाग्य विधाता, आज हम बच्चों को कह रहे हैं अमृत वेला उठ, मेडिटेशन में बैठो, विचार करो मैं आत्मा हूं। हमारा बाबा बागवान है, वही खिवया है, मैं उनके संतान हूं। मालिक बन ज्ञान रत्न का सिमरण करो। मतलब परमात्मा ने हम बच्चों को जो ज्ञान दिए हैं उसकी अधिकारी बन, उस शक्तियों के, गुणों के, और उस पर चिंतन करना है और उस नशे में रहना है। बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है और बाप के पास भी है। बाबा कहते हैं दान का। तुम बच्चों को रहम दिल बन सबके ऊपर तरस खाना है, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दुनिया की बहुत महिमा होती है जो दान करते हैं, अखबारों में भी उनका नाम निकलता है, तो तुम्हें भी सबको दान करना है। दान करना अर्थात मेडिटेशन सिखलाना है, ये सबसे बड़ी दान है। मतलब समय दिया, अपनी वाणी सेवा की, तो ये दान बड़ी दान है। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते हैं, उनको पार करने के लिए सहारा देते हैं, क्योंकि खिवया नाम तो भारतवासी जानते हैं। बाबा कहते हैं खिवया का काम है डुबाने वालों को बचाना। बच्चे जानते हैं भारतवासी का बेड़ा डूबा हुआ है, हर बात भारतवासियों के लिए है, और कोई खंड के लिए नहीं कहेंगे, यह भी तुम समझते हो। सत्य नारायण की कथा अथवा अमरनाथ की कथा भी यहां होती है। तुम जबकि सुबह को मेडिटेशन में बैठते हो तो किसको याद करते हो? शिव बाबा को। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो कोई किसको याद करते हैं। उन सब की साधनाएं अयथार्थ, सिखलाने वाला खिवयावा भगवान तो कोई है ही नहीं। गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखलाते हैं ऐसे ऐसे करो, बहुत प्रयत्न करते हैं याद में रहने के लिए। योग को साधना कहा जाता है, वो तो मनुष्य मनुष्य को कराते हैं। अभी तुम जानते हो बगीचे के माली अथवा मालिक परमपिता परमात्मा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। भगवती कांटों के जंगल का मालिक है रावण, माया रावण कांटों को बना बना के जंगल बना दिया है। यह तुम्हारी बातें भी कोई कोई जानते हैं, भूल जाते हैं, माया भुला देती है। मेडिटेशन में बैठने से माया बड़ा विघ्न डालती है। मेडिटेशन कैसे करें यह भी बाप सिखलाते हैं। मन बुद्धि हलचल में ना आए, मैं और मेरा बाबा। दिन में तो खाना पीना खेलना कूदना धंधेदारी आदि करना है, उसमें याद थोड़ा ही रह सकती है। कहते तो बहुत हैं हम सारा दिन याद में रहते हैं, परंतु है तो बड़ा मुश्किल। बाबा अनुभव बतलाते हैं अमृत वेला का समय स्वतगुणी होता है, उस समय याद करना सहज है। अमृत वेला का टाइम सबसे अच्छा है, दिन तो लफड़े में रहते। कितनी सारी बातें
इसलिए क्या कहते हैं लफड़े में रहते हैं। हाँ, कर्म करते समय याद स्थाई रह सकती है तो बहुत अच्छा, परंतु बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, मैं कोशिश करता हूं बाबा की याद में रहे तुमसे बात करूं। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मैं भी कोशिश करता हूं कि बाबा की याद में रहे तुम बच्चों से बात करूं। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। माली हमेशा बागवान होते हैं, फूल लगाते हैं, तो माली कौन हो गए? सर्वशक्तिवान बाबा। बाबा बीज रूप है, हमको यह नॉलेज है। रात को बैठने से अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे, मतलब योग में बैठने से समझ सकते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे। हमको यह नॉलेज है, रात को बैठने से चिंतन अच्छा चलता है। कितने हठयोग आदि सिखलाते हैं दुनिया वाले, अभी तो समझ मिली है बाप को याद करने से। उनकी सारी रचना मतलब झाड़ पूरा याद आ जाती है। भगवते हम 84 जन्म का चक्र लगाकर आए हैं, अभी हम जाते हैं वापस। ये ड्रामा का चक्र फिरती रहती है। तुम किसी को भी समझा सकते हो मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं, और भगवते तुमको समझाना है बाबा आया हुआ है, मौत सामने है, गफलत करेंगे तो बरसा पा नहीं सकेंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, अब सीख कर जाओ। इस मेडिटेशन में बैठने से तुमको नशा चढ़ेगा, अभी बाप को याद करो। भगवते तुम्हारा बाप तो है ना, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हो उस परमात्मा को। लौकिक बाप तो हर जन्म में बदलता है, फिर भी तुम निराकार बाप को याद करते हो। क्यों? क्योंकि अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। हम एक श्री श्री की श्रीमत से क्या बनते हैं? श्रेष्ठ बनते हैं। श्री 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 कौन है? परमपिता परमात्मा, आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। उनसे फिर और बिरादरी निकलती है। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता, तो मेडिटेशन के लिए यह समझाना है। बाप हमको ऐसे मेडिटेशन सिखलाते हैं, भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते। भगवान तो सबका एक होना चाहिए ना, वही पति पावन है, वही हेवेनली गॉड फादर है, और आते भी हैं भारत में। उनका भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है। उस श्री श्री की मत से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा आज बार बार याद दिला रहे हैं कि श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं, तो श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। बाप को याद नहीं करते तो ताला खुलेगा कैसे, बुद्धि का ताला? ये बहुत सहज बात है, समझाना है। हम याद में कैसे बैठते हैं? मनुष्य को तो पता ही नहीं कि हम किसको याद करते हैं। हमको सिखलाने वाला स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा है। तो आज की मुरली से हमें कुछ धारणाओं की पॉइंट ले लेना है। अमृत वाला उठो, याद में बैठ ज्ञान का रमण करना है, चिंतन करना है, ज्ञान धन को भी याद करना है, तो ज्ञान दाता को भी याद करना है, ज्ञान धन को भी याद करना है, मतलब बाबा ने जो पॉइंट्स दिए हैं, और बाबा को भी याद करना है। ईश्वरी नशे में रहकर सेवा करनी है, ज्ञान धन को याद करना है और ईश्वरीय नशे में रहना है। सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि समझानी है और एक मत होकर रहना है, दूसरा मत नहीं, एक मत। तो आज के मुरली से बाबा से वरदान ले लेना है। रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। तो आज बाबा कह रहे हैं जो परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन हाँ अन्य आत्मा तक पहुंचाने अपने आप पहुंचाते हैं और पहुंचाने हैं, और वो भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं।
कराने हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता के छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता है, ऐसे हर मानव प्रसन्न हो जाता है। ऐसे आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अपने प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन के शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन दिए हैं, जो स्मृति स्वरूप है उन्हें कोई भी परिस्थिति क्या लगता है, खेल अनुभव होती है। कोई भी परिस्थिति जो स्मृति स्वरूप है कि बाबा सदा मेरे साथ है। तो आज की मुरली के अनुसार हमें सोमान ले लेना है, मैं सर्व खजाना सर्व शक्तियों से संपन्न प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए सर्वशक्तिमान बाबा की याद में रहना है, मुस्कुराते रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।